चला जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एमएस डॉस को ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करेंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सीएमडी, क्या लिखेंगे सीएमडी और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी एमएस डॉस ओपन हो जाएगी। क्लियर है? दोबारा देखो, अगर आपको एमएस डॉस ओपन करनी है तो विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और सीएमडी लिख देंगे और उसके बाद एंटर। क्लियर है इतना? और बाहर निकलने के लिए एग्जिट। ठीक, अगर आप अंदर से खोलना चाहते हैं तो अंदर से भी खोल सकते हैं, दोनों चाहे अंदर से खोलें या विंडो आकर सीएम डी। मैंने इसकी स्क्रीन को बड़ा कर दिया और दिखाई दे रहा है सभी को? देखो, अगर आपको आप छत पे खड़े हैं और नीचे उतरना है तो क्या करते हैं, सीढ़ी लगाते हैं तभी नीचे आते हैं ना। इसी तरह से अभी देखो मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ, सी सी के अंदर एक फोल्डर है विंडो और विंडो के अंदर एक फोल्डर है सिस्टम 32। आप सी के अंदर एक फोल्डर है विंडो, विंडो के अंदर एक फोल्डर है सिस्टम 32। तो आपने कहा कि मुझे इस फोल्डर से बाहर निकलना है, सिस्टम 32 से बाहर निकलना है, तो कमांड लगाएंगे सीडी डॉट डॉट, क्या लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप बाहर निकल आए। जैसे आपने कहा सीडी डॉट डॉट तो आप इससे बाहर निकल आए। फिर आपने कहा मुझे विंडो से बाहर निकलना है तो विंडोज से बाहर निकलना है तो सीडी डॉट डॉट और एंटर, तो आपने एक एक फोल्डर पे गए और बाहर निकल आए। बात समझ में आई इतना? अगर आपको किसी भी फोल्डर से बैक जाना है तो बैक जाने के लिए कमांड होती है सीडी डॉट डॉट। क्लियर है इतना? किसी फोल्डर से एग्जिट करने की कमांड सीडी डॉट डॉट। अब आपने कहा सर ये सीखा क्यों, इसका यूज क्या है? पहले क्या होता था कि हमारा माउस नहीं था, मतलब माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, पहले माउस नहीं हुआ करता तो आपको हर एक काम कमांड से करना पड़ता था। अगर आपको फोल्डर बनाना है तो कमांड लगाओ, अगर आपको एमएस वर्ड की फाइल बनानी है तो कमांड लगाओ, मतलब कुछ भी काम करना पड़ता था कमांड लगानी पड़ती थी। विदाउट कमांड आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस ही नहीं है उस पर, बस आपको जो भी काम करना टाइप करके करना है तो सारे काम टाइप करके होते थे। तो जो पहले विंडो थी उसका नाम भी था एमएस डॉस, मतलब डॉस बेस्ड थी वो विंडो, जो विंडो थी पहले वो डॉस बेस्ड थी, जैसे ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना ऐसे। तो जो भी काम करना होता था एक कमांड लगाओ वो काम होगा। स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने कहा कि मुझे डेट लिखनी है कि आज क्या डेट है, डी ए टी, आपने एंटर प्रेस किया, क्या लिखा हुआ रहा है 2/12/2017। क्लियर इतना? आपने कहा बाय चांस अब तो यहाँ पर गलत डेट आती है, हम सही कर लेते हैं। हाँ स्टार्ट कर लेना, मीनाक्षी कपिल एक पीछे बटन होगा, सामने एक बटन होगा, ऑन कर देना दोनों को, सामने बटन जहां बैठे हैं नीचे नीचे, और सीपीयू के साथ एक बटन होगा ऑन कर देना। सीपीयू में सबसे ऊपर बटन होगा, हो गया बटन? ठीक, तो मैंने यहां पर लिखा डेट और एंटर प्रेस किया तो यहां आज दिखाया 2/12/2017 2017 एंटर प्रेस किया। आपने अगर टाइम देखना हो तो टाइम देखने की कमांड होती है TIME, टाइम कितना हो रहा है 8:37:54 अब आपने कहा सर ये तो कर दिया, लेकिन अब आपने कहा था कि पॉइंटिंग डिवाइस है नहीं, अब टाइम चेंज कैसे करें, डेट चेंज कैसे करें? जब यहां पर लिखते हैं डेट, एंटर प्रेस करते हैं तो ऊपर दिखाता है करंट डेट और नीचे दिखाता है कि एंटर द न्यू डेट, क्या आपको नई डेट एंटर करनी है? अगर नहीं करनी तो एंटर प्रेस कर दो, अगर आपको नई डेट एंटर प्रेस नहीं करनी तो एंटर प्रेस कर दो, लेकिन आपने कहा मुझे डेट चेंज करनी है तो आप डेट लिखकर एंटर प्रेस करते हैं, करंट डेट दिखाता है ये, लेकिन अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहां पर लिखते हैं
वो चेंज करनी है। आज मैंने कहा एक तारीख है और यहाँ पर 12 कर दिया और यहाँ पर 2017 कर दिया, हो गई चेंज। क्या लिखा हुआ रहा है, मैंने आज 2 तारीख थी, मैंने क्या कर दी, एक तारीख कर दी। अब चेक करो DAT क्या लिखा हुआ रहा है, और आपने कहा दोबारा से 2 करना हो तो 2/12/2017 क्लियर है इतना। अब चेक करें तो आपको इसका मतलब सिस्टम पे जाके करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से कर लो टाइम, और जैसे आप यहाँ पर चेंज करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज आएगी। अब देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे 2 यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो आपने कहा सर एक करेंगे तो एक हो जाएगी क्या, 1/12/2017 चेक करो, एक होगी नीचे कोने पे साइड पे। आपने कहा दोबारा से 2 करना है तो मैंने डेट कमांड लगाई, उसने कहा करंट डेट 1 आ रही है, आपको चेंज करना है। अगर आपको नहीं करना तो एंटर प्रेस कर दो, लेकिन अगर आपको चेंज करनी है तो आप 2/12/2017 कर दो। क्लियर है इतना, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट कमांड है टाइम। टाइम कितना है, 8:39:44:31 पल्स, इतने आ रहा है, 8:39:44:31। अब आपने कहा सर टाइम चेंज करना हो तो आपने कहा 9 से 9 बजा दो, ठीक है 9 बजा देते, लेकिन आपको कोलन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, 9:00 इतने मिनट इतने सेकंड इतने पल्स। मैंने एंटर प्रेस किया, कह रहा गलत टाइम फॉर्मेट लिखा है आपने, मैंने कहा ठीक है दोबारा करते हैं, की बार ट्राई, चलो हम सेकंड तक लिख देते हैं, पल्स लिखते हैं, अब तो ले लिया। क्या टाइम चेंज कर दिया तो ये सेटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। अब चेक करें टाइम कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है, 9:12:93 क्लियर है। अब पहले टाइम कितना आ रहा था, 8:39:840 कर दूं, मैंने यहाँ पर लिखा है 8 और कोलन लगाया और 40 कर दिया, सिर्फ आगे लिखा ही नहीं मैंने। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको सेकंड और पल्स लिखना कंपलसरी है, बस खाली मिनट तक लिखना कंपलसरी है। मैंने यहाँ पर टाइम लिखा और टाइम आ गया दोबारा से 8:40, क्लियर है, कोई डाउट। तो 2 कमांड होती है, डेट एंड टाइम। अगर आप डेट देना चाहो डेट देख लो, टाइम देना चाहो टाइम देख लो, उसके अलावा अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। अपने मतलब अपने आप सेटिंग हो गया